नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नई वीडियो। आज लेके आए हम आपके लिए सेक्टर 12 की लोकेशन पे 3 बेडरूम का फ्लैट, 3 वॉशरूम के साथ 2 बालकनी का फ्लैट होने वाला है। सेक्टर 12 की लोकेशन पे पार्क व्यू अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट का नाम एंड अबाउट लोकेशन बता दूं मैं सोसाइटी का आपको, तो सेक्टर 12 का सेंटर लोकेटेड है बिल्कुल, और इस तरीके का लोकेशन है जहाँ से आपका मार्केट, मेट्रो, स्कूल्स, हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 500-600 मीटर के आसपास में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सोसाइटी की बात कर लेते हैं, सोसाइटी लोअर सोसाइटी होने वाली है। इसमें अराउंड 90 के आसपास फ्लैट हैं टोटल। मेंटेनेंस इसका 2000 रुपए के आसपास पड़ता है आपको पर मंथ का, एंड साथ साथ इसमें कम्युनिटी हॉल भी मिल जाता है। जिसकी पार्किंग स्पेस है वो सारा ओपन है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी इसमें आपको फ्लैट मिलता है। सोसाइटी के जस्ट पीछे ही डीडी का बहुत बड़ा मेंटेन पार्क है, तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं सोसाइटी के बैक गेट से। सोसाइटी का ओवरव्यू दिखाई तो आपको मैं, इस तरीके का कोई सोसाइटी रहने वाला है आपका। ये देख सकते हैं लोअर राइज सोसाइटी है, 5 फ्लोर्स है, और इसमें आपको जो छत रहता है, जो इसकी जो टेरिस रहती है वो आपको एक्सेसिबल रहती है। तो लोअर राइज सोसाइटी में सबसे अच्छा प्लस क्या रहता है कि आपको उसमें आपका जो छत रहता है वो एक्सेसिबल रहता है। तो आइए आप करते हैं फ्लैट को गो थ्रू, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाता है लॉबी स्पेस दोस्तों, एक लिफ्ट केस मिलता है क्योंकि लोअर राइज सोसाइटी, इसलिए वहाँ पे हर द्वारका में, हर लोअर राइज सोसाइटी में आपको एक ही लिफ्ट केस मिलता है या आपको स्टे केस मिलता है। 2 फ्लैट सामने हैं, 1 फ्लैट आपको इस तरफ मिलता है। फ्लैट का नंबर है 253। टोटल आप कर सकते हैं क्या बनता है अकॉर्डिंग टू यू, और आपके वास्तु के हिसाब से ये ठीक है या नहीं है। 53 नंबर है, टोटल नंबर इज 8। इस तरीके से कुछ एंट्रेंस है। बात करते हैं इसके डोर क्वालिटी का, तो बहुत अच्छा डोर क्वालिटी का लुक दिया गया है। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छा मिलता है, जैसा लॉकर मिल जाता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये पैसेज के बाद इस तरफ एक बेडरूम आएगा, लिविंग डाइनिंग 2 बेडरूम तरफ, किचन एंड वॉशरूम तरफ आपको मिलता है। ये आ जाता है दोस्तों, जैसे आप एंटर करेंगे एक बेडरूम के बाद एल शेप में लिविंग डाइनिंग स्पेस मिलता है कुछ आपको इस तरीके से। यहाँ पे आपका लगेगा सोफा, सामने आएगा आपका टीवी कैबिनेट, इस तरीके से टीवी कैबिनेट का काम किया गया है, बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में काम मिलता है आपको। नीचे सारा वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है, ऊपर सारा आपको देखेंगे बढ़िया काम मिलता है, फॉल सीलिंग का, चाइनीज वगैरह का बढ़िया काम किया गया है ऊपर, फॉल सीलिंग का बहुत बढ़िया काम मिलता है आपको। सामने मिलती है आपको एक बालकनी स्पेस जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। वेस्ट फेसिंग है ये, 2 बजे के बाद का धूप आता है, अच्छा व्यू मिलता है आपको पूरा, इस तरीके से आपको सोसाइटी ओवरव्यू मिलता है। UPVC का काम किया गया है फॉर योर विंडो स्पेस, एंड देन दिस इज द डाइनिंग स्पेस जो आपको मिलता है कुछ इस तरीके के शेप में। ऊपर फॉल सीलिंग का काम है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है, सामने मिलता है आपको प्रॉपरली आपका मॉड्यूलर किचन स्पेस जिसमें भी थोड़ा बहुत काम रहता है जो कि हो रहा है, चल रहा है काम, मतलब एंडिंग पे ही है इसका, इस तरीके का काम मिलता है आपको। ओवरऑल आपको बहुत बड़ा स्टोरेज मिलता है, हिंडवे कंपनी का चिमनी स्पेस मिलता है, होम मिलता है आपको हिंडवे कंपनी का। इधर आपको OTG की फिटिंग्स के लिए स्पेस दिया गया है, ये आपका फ्रूट बास्केट एंड वेजिटेबल बास्केट मिलता है। यहाँ पर आता है आपका पेंट्री स्पेस जो कि कुछ इस तरीके से आता है। इधर आपको मिलता है UPVC का काम फॉर विंडो स्पेस, एंड दिस इज योर सिंक एरिया स्पेस। प्रॉपरली फुली लोडेड किचन होने वाला है, कलर कंट्रास्ट अच्छा है, बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट में आपको यहाँ पे काम मिलता है। अब चलते हैं अपने बेडरूम्स को गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे आता है एंट्रेंस पे था आपका पहला बेडरूम स्पेस, मैंने आपको अभी लिविंग स्पेस दिखा दिया है। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे आप एंटर करेंगे आपके लेफ्ट हैंड पे एक बेडरूम आता है, तो दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम एरिया, अटैच वॉशरूम अटैच बालकनी के साथ आता है दोस्तों। इस तरीके का कुछ काम मिलता है इसमें, थोड़ा बहुत अभी काम रहता है जो कि अभी चल रहा है, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम, ऊपर फॉल सीलिंग का काम मिलता है। यहाँ पे मिलता है इसका अटैच वॉशरूम एरिया जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलना है, लाइट कलर में कंट्रास्ट का काम है, टाइल कलर कंट्रास्ट का, शार एरिया, WC सिंक स्पेस, इस तरीके का आपको काम मिलता है। साइज इनफ गुड है दोस्तों। इधर मिलती है एक छोटी बालकनी स्पेस जो कि आपको कुछ इस तरीके से मिलती है, सोसाइटी का ही आपको ओवरव्यू यहाँ से मिलता है। पार्किंग स्पेस सोसाइटी में ओपन है क्योंकि इसमें ग्राउंड फ्लोर पर भी फ्लैट मिलता है। सामने आपको मिलता है कबर्ड स्पेस, कुछ इस तरीके का काम किया हुआ कबर्ड स्पेस मिलने वाला है, अच्छा सनमाइका का काम है, डेप्थ अच्छी है, सेपरेशंस भी अच्छे किए हुए हैं। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया। अब आते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम एरियाज की तरफ। यहाँ पर मिलते हैं हमें 2 वॉशरूम 2 बेडरूम एरिया, बट उससे पहले आता है हमारा पाउडर रूम एरिया जो कि कुछ इस तरीके का काम किया गया है, ये आपका पाउडर रूम बनता है। उसके बाद आप आते हैं, ये होता है आपका सेकंड बेडरूम एरिया। साइज अच्छा है, ऑलमोस्ट 11x12x13 के आसपास का साइज मिलने वाला है। ऊपर फॉल सीलिंग का काम मिलता है, नीचे आपको वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पे 4 डोर कबर्ड स्पेस जो कि कुछ इस तरीके का आपको काम किया गया है। इधर वेंटिलेशन है, सेपरेशन अच्छा है, डेप्थ अच्छा है, कलर कंट्रास्ट अच्छा है, सनमाइका का अच्छा काम इसमें आपको मिलता है दोस्तों। ये होता है आपका सेकेंड बेडरूम एरिया। नाउ वी कम टू द लास्ट बेडरूम एरिया विच यू कैन
विच इज द मास्टर बेडरूम एरिया ऑफ कोर्स, जहाँ पर है साइज ऑलमोस्ट 11 बाई 13 के आसपास का साइज मिलता है। ये अलग है, नॉट इन योर बेडरूम स्पेस। इधर एक बालकनी स्पेस मिलता है, इधर आपका मिलता है ड्रेसिंग एरिया, जो कि कुछ आपको इस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, इधर सेपरेशन अभी होने बाकी है, थोड़ा बहुत अभी काम है जो कि अभी होना इसमें बाकी है। इस तरीके का स्पेस यहाँ पर भी मिलता है। अटैच वॉशरूम मिलने वाला है इसमें आपको, साइज वॉशरूम का काफ़ी अच्छा है। ये आपका शार एरिया हो जाता है, सिंक स्पेस, WC, स्टोरेज, आप वेंटिलेशन आपको दो तरफ मिलता है। टाइलिंग का कलर कंट्रास्ट भी बहुत खूबसूरत मिलने वाला है इसमें आपको। यहाँ पर मिलता है एक आपको बालकनी स्पेस, जो कि आपको कुछ इस तरीके का धूप वाला स्पेस मिलता है, जो कि आपको 2 बजे के बाद की बढ़िया धूप इसमें आपको मिलती है। ये वेस्ट फेसिंग की बालकनी, इसमें 3 बालकनी आपको, तीनों की तीनों वेस्ट फेसिंग है, तो 2 की आपको 2 बजे के बाद की धूप इसमें मिलती है। ये हो जाता है आपका फ्लैट 2 थ्रू, टॉप फ्लोर का फ्लैट है, छत इसमें एक्सेसिबल रहता है, नॉट इन योर। अभी काफ़ी लोग पूछेंगे कि हमारे पर्सनल रहता है, पर्सनल नहीं रहते हैं। द्वारका की सोसाइटीज में आपको, लोराई सोसाइटी में आपको छत जो रहता है वो एक्सेसिबल रहता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो ये हो जाता है आपका गो थ्रू फ्लैट दोस्तों। इसका डिमांड है 2,45,00,000 रुपये, जो कि नेगोशिएबल है। आप आइए, पसंद कीजिए, बहुत अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।